अगेन कैसे हो आप सब लोग। और गाइज काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल या फिर अमेजोन की ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल के दौरान हमें जो है आईफोन 12 को परचेज करना चाहिए या फिर आईफोन 13 को परचेज करना चाहिए, कौन सा फोन जो है लेना हमारे लिए ज्यादा वर्थ इट रहेगा। तो गाइज आज की जो वीडियो है इसी के ऊपर होने वाली है कि हमें जो आईफोन 12 या फिर आईफोन 13 को परचेज करना चाहिए ड्यूरिंग फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल या फिर अमेजोन की ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल के दौरान। सो गाइज बिना कोई देर इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हो तो गाइज मेरा नाम है सूरज एंड उसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ बेल की नोटिफिकेशन दबाइए जरूर ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो गाइस बिना किसी देर लेट्स गेट इन वीडियो। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन्स के एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की। सो गाइस आईफोन 12 64GB की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग हमें फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के अंदर देखने को मिलेगी अराउंड 42 to 43,000 के बीच में। एंड उसी के साथ हम बात करें 128GB की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस साल आईफोन 12 128GB वेरिएंट को परचेज करेंगे। सो इसकी जो प्राइसिंग है ये हमें देखने को मिलेगी अराउंड 47 to 48,000 के बीच में। सो कुछ इतनी प्राइसिंग जो हमें आईफोन 12 की जो है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के दौरान जो है देखने को मिलेगी। एंड वही हम बात करें आईफोन 13 की, सो गाइस आईफोन 13 की जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है वो हमें देखने को मिलेगी अराउंड 49 to 50,000 के बीच में। सो गाइस इतने कुछ प्राइसिंग पे जो हमें आईफोन 13 जो है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के अंदर देखने को मिलेगा। एंड गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर आप लोग आईफोन 12 128GB को जो है परचेज कर रहे हो तो उसके बजाय आप लोग जो आईफोन 13 को परचेज कर लीजिए, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है वो हमें ज्यादा बड़ा नहीं देखने को मिलता एंड जो डिफरेंस है वो सिर्फ हमें 2 से 3 हज़ार रुपये का जो है देखने को मिलता है। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करता हूँ कि आप लोग जो अगर आईफोन 12 128GB को जो है परचेज करना चाहते हो देन मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करता हूँ कि आप लोग जो उसकी बजाय जो आईफोन 13 को परचेज कर लीजिए, क्योंकि आईफोन 13 के अंदर जो हमें एक तो बैटरी लाइफ काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, इंप्रूव कैमरा देखने को मिल जाता है एंड उसी के साथ हमें जो उसके अंदर A15 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है जो एक काफी ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस चिप जो हमें देखने को मिल जाती है। सो गाइस अगर आप लोग भी कंफ्यूज थे कि हमें आईफोन 12 को परचेज करना चाहिए या फिर आईफोन 13 को परचेज करना चाहिए ड्यूरिंग फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल या फिर अमेजोन की ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल के दौरान, सो गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करता हूं कि आप लोग जो आईफोन 13 को परचेज कर लीजिए ओवर आईफोन 12, क्योंकि आईफोन 13 जो है तो हमें काफी अच्छी प्राइसिंग के अंदर देखने को मिलेगा एंड आईफोन 13 के अंदर जो हमें फीचर्स भी जो है काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेंगे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल होगी तो क्या करना है, इस वीडियो के नीचे लाइक करना एंड उसी के साथ अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हो सो गाइस मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ बेल की नोटिफिकेशन दबाइए जरूर ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो गाइस मिलता हूं मैं आप सब लोगों से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। सो गाइस तब तक के लिए जय हिंद।